तो गाइस सभी गेमर्स के लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो पबजी है वो बैन नहीं होने वाली है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या है पूरी न्यूज़। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। मैं वर्णफ, आप देख रहे हैं टेक हैश। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस कल ही यहाँ पर एक लिस्ट आई थी जिसमें पबजी को लिस्ट किया गया था और हम सभी ये सोच रहे थे कि जो पबजी है वो बैन होने वाली है और हम पबजी को अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर नहीं खेल पाएंगे। पर लेकिन आज ही एक और न्यूज़ आई कि जो पबजी है वो एक्चुअली बैन नहीं होने वाली है। तो गाइस जो पबजी एप्लीकेशन है वो उसका जो ओरिजिन वो साउथ कोरियन है। ये गेम डेवलप की थी ब्लू होल कंपनी ने, जो साउथ कोरिया की कंपनी है। बाद में जाके टेंसेंट जो चाइनीज़ कंपनी है उन्होंने पार्टनरशिप कर ली थी यहाँ पर ब्लू होल कंपनी के साथ। तो टेंसेंट कंपनी को यहाँ पर बैन किया जाएगा, जो पबजी है वो बैन नहीं होगी। तो गाइस अगर ऐसे में अगर टेंसेंट यहाँ पर इंडिया में बैन हो जाता है तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो ब्लू होल कंपनी है वो पार्टनरशिप कर सकती है यहाँ पर ई स्पोर्ट्स के साथ या फिर गेम लॉफ्ट या फिर किसी और बड़ी गेम कंपनी के साथ। यहाँ पर पहले ही ब्लू होल कंपनी ने अनाउंस कर दिया था कि अगर टेंसेंट यहाँ पर बैन हो जाता है तो इंडिया वालों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो तीन दिन में सभी जो मामला ये सेट हो जाएगा और वापस हम अपने फ़ोन में इस गेम को इंजॉय कर पाएंगे। तो गाइस अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो, साथ में शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दो उस बेल आइकन को, ताकि आपको मिलते रहे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।